हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आ गए हम फिर से जेंशन इम्पैक्ट पार्ट 3 के साथ में। और तो चलो पहले तो इंट्रो देख लो यार। तो आ गए हम अपने गेम में और देखते हैं आगे कहाँ जाना है हमको और क्या करना है। तो ये तो टेंपल था, तो हमें इस टेंपल में सबसे पहले जाकर जाना था, लेकिन हम इस टेंपल में नहीं जाएंगे। और वो बताता हूँ मैं क्यों। क्योंकि देखो यार, इसमें तुम लोग देख रहे हो दो कैरेक्टर हैं अपने पास, है ना। एक एमी, क्या नाम है यार, जो भी नाम है, और एक मेरा कैरेक्टर है ना। तो यहाँ पे अपन को चाहिए होंगे तीन कैरेक्टर चाहिए होंगे। तो अपन लोग यहाँ नहीं जाकर हम जाएंगे नेविगेशन की तरफ, जो कि हमें नेविगेट कर रहा है सामने। ये क्या था, मशरूम है। मशरूम ले लेता हूँ सबसे पहले। चलो चलते हैं। अबे पेड़ पे कहाँ चढ़ रहा है, सीधे चलते हैं नेविगेशन की तरफ। नेविगेशन कितने दूर है, 590 मीटर ऐसे ही कुछ है भाई। इस गेम का मैप बहुत बड़ा है यार, कुछ भी कहो। तो चलो यार, सबसे पहले चलते हैं नेविगेशन की तरफ। और ये क्या, बेरी ले लो, बेरी। धीरे धीरे चलते बाढ़। और ये सामने हमारे मॉन्स्टर्स टाइप में यार, ये भी अच्छे लगते हैं, इनको मारने में अच्छा लगता है। क्रॉस बो से मारूंगा सबसे पहले। ये ले बेटा, ये ले। अबे बजिया, ये ले। 40 का डैमेज दिया है उसको, आजा। ये ले 49 का डैमेज, ऐसा पन्नो पड़ा 49 का डैमेज। ओके 40 का एक और डैमेज टांगे, आजा। एक और ये ले 27 और 5 का डैमेज। एक और था खाना, ये मर गया क्या, मर गया शायद से, मर गया ना। हाँ तो चलो चलते हैं आगे और देखते हैं यार, आग ही तो बुझ जाती है इसकी। एक और आया सामने, अरे उसने 49 का डैमेज दे दिया अपन को। ये बड़ा 40 का बड़ा, एक और 40 का, एक और, अरे बच गया। 49 का मार दिया मुझे बेटा। अब तुम लोग स्वॉर्ड का खाओगे, स्वॉर्ड से तो ये ले। स्वॉर्ड तो 19-21 का डैमेज देती है यार, क्रॉस वो ज़्यादा का डैमेज देती है। एक और पेल रहा है इसके पीछे से, वो क्रॉस वो से आजा बेटा, तुम्हें मारता हूँ क्रॉस वो से। ये लग गया, बचिया थोड़ा सा बचा गया। ये भी इनका तो अपन को कुछ नहीं रहता, इनका वो लेना पड़ता है। मिंट ले लेता हूँ सबसे पहले। इनका जो एक ट्रेजर रहता है ना, इनका ट्रेजर हमने बहुत काम में आता है। इसमें मीट भी रखा रहता है। ये देखो रॉ मीट रखा है, और भी चीज़ें रखी थी। इनको मारने पे ये मिलता है ना, और मशरूम भी मिली गए। चलते हैं नेविगेशन की तरफ। स्टैमिना अगर रेड हो जाए ना, तो भाई मरना पक्का रहता है इसमें। ये भी पता नहीं नया आया, थोड़ा कैमरा पास कर लेता हूँ। कैमरा पास रहता ना तो अच्छा लगता है, फिर दूर दूर तो नहीं रहता कम से कम। अरे चलना हो गया, स्टैमिना वैसे ही लो है, थोड़ा रुक जाता हूँ, स्टैमिना भर जाएगा। सामने मिंट भी है, मिंट ले लो। और क्या है, मुझे पता नहीं क्या चमक रहा है, पता नहीं यार ये क्या चीज़ चमक रही है, लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें नेविगेशन की तरफ जाना है सबसे पहले, तो नेविगेशन की तरफ ही चलते हैं। और ये क्या है, स्नैपड्रैगन ही है भाई। स्नैपड्रैगन इस गेम को चलाने के लिए भी स्नैपड्रैगन ही चाहिए। बहुत से लोग बार बार मुझे फर्स्ट वाले पार्ट पर कमेंट कर बोल रहे हैं कि भाई ये मेरे मोबाइल में गेम चल जाएगा क्या। तो भाई मैं तो यही बोलूँगा, प्ले स्टोर पर जाओ, सर्च करो। अगर उसमें प्ले स्टोर पर बताता है कि मतलब कि जेंशन इम्पैक्ट तुम्हारे उसमें प्ले स्टोर पर बताता है, तो इसका मतलब है कि तुम इसको रन कर सकते हो, है ना। मॉन्स्टर थे पीछे, उनको मैंने छोड़ दिया। ये देखो ये भी मारते हैं ये साले, दिखते बड़े क्यूट है, पेल देते हैं अपन को भी।
रैबिट जा सकते हैं या कूद कूद के पहाड़ों पर चढ़ते हैं? मिंट पड़ा है, मिंट ले लेता हूँ। और ऊपर चढ़ता हूँ, ये सही है, कम से कम वहां तक तो जा सकते हैं। डायरेक्ट ऊपर ही चढ़ूंगा मैं। ये लैग भी पता है बहुत करता है, वो पिंग के वजह से मेरा लैग करता है। स्टेमिना देख रहा हूँ कितना सा बचा है स्टेमिना मेरा। सामने है लीसा, हमें लीसा के ही पास जाना था। अरे पेड़ पर नहीं चढ़ना है भाई, एप्पल लेना है क्या है? सनसेटिया क्या नाम है, पता नहीं क्या क्या तो नाम रखे हैं। लीसा के पास जाना था और लीसा से हमें कुछ बात करनी थी, और शायद से हमें इस टेंपल के अंदर जाना है। Hey cutie, you're going to help me out too? पायमन मुझे सबसे प्यारा कैरेक्टर, मुझे पायमन ही लगा है भाई इस पूरे गेम में। पायमन से अच्छा कैरेक्टर को यह ही नहीं, क्यूट भी है। Basically, things other than that which require brawn or brains. Or brain. So, what does that leave? चलो तो चलते हैं यार, हम इस टेंपल के अंदर जाना था हमें। लीसा से बात करके कोई मतलब तो है नहीं, तो टेंपल के अंदर चलते हैं। तो गाइज आ गए हम लोग टेंपल के अंदर, और सामने है हमारे लीसा। तो लीसा से शायद से पहले बात करना पड़ेगा क्योंकि उसके ऊपर नेविगेशन का साइन आ रहा है। तो शायद से हमारे साथ लीसा भी चलेगी, और हमें एक और कैरेक्टर मिल चुका है जिसका नाम है लीसा। I knew it. तो सामने है नेविगेशन का सिंबल, तो चलो चलते हैं। डायरेक्ट जा सकते हैं क्या? भाई डायरेक्ट तो पूरी खाई हो रखी है, डायरेक्ट जाने का कोई मतलब तो है नहीं, तो सीधे सीधे चलते हैं। सीधे सीधे ही चलेंगे। यहाँ से है क्या जाने के लिए? बहुत ऊपर जाना है, बहुत ही ऊपर। ये क्या है? अबाउट हाइड्रो अटैक कैन कॉज बीइंग टू बिकम अफेक्टेड बी हाइड्रो। चलो चलते नेविगेशन की तरफ। यहाँ पे है क्या कुछ? वाह, चला कर देख रहा था क्या करना यार, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा मुझे। अरे ये जंप का साइन बता तो रहा है। अरे यार अटक रहा है ये। हाँ अटक गया, सही हो गया, सही हो गया। पहुँच गया मैं ऊपर, पहुँच गया। नीचे उतरना है अब। यहाँ पे हमारा चेक पॉइंट भी खुल गया, ओपन डोर। तो ये वाला डोर, पहला डोर तो हमने क्लियर कर ही दिया है। और सामने कौन है? सामने तो ये साला जंगली है, दिखता क्यूट है लेकिन मतलब मारता है आराम से। अरे मैं इसे कैसे मारूंगा यार, पास जाके मारूं क्या? क्रॉसबो से मारता हूँ। क्रॉसबो से अबे डैमेज ही नहीं पड़ रहा क्रॉसबो से। आजा पास। अरे क्रॉसबो से तो एक भी डैमेज नहीं पड़ रहा यार उसमें, कि एक डैमेज पड़े। वापस भाग गया, क्रॉसबो से ही मारूंगा। रुक जा अबे, रुक तो जा, इतना क्यों चल रहा है? इमैन्यू बता रहा है कुछ, जब भी उसको डैमेज पड़ रहा है इमैन्यू ऐसे कुछ बता रहा है। आजा पास थोड़ा, और बिल्कुल भी डैमेज नहीं दे रहा है। अरे इससे मारना है, लीसा से मारना है अपन को। ये देखो, ओ भाई लीसा भागा भागा भागा, गया गया। अच्छा तो इसके जो शॉक वेव्स है ना लीसा की, इससे मरेंगे ये लोग। अरे यार ये पता नहीं बार बार क्यों बता रहा है, मैं नहीं खोला, खोल कर देख रहा था। ये ऊपर बता रहा है ना एलिमेंट ऑफ रिएक्शंस, वो हजम नहीं हो रहा मुझे, सही बता रहा हूँ। अभी भी वही बता रहा है, अब यहाँ क्या करना है देखना पड़ेगा। ये बॉक्स क्यों रखा हुआ है? अरे यार ये फिर से मैंने खोल दिया, और देख लेता हूँ पूरी चारों तरफ, अगर कुछ मिलता है तो अच्छी बात है। हाँ यहाँ पर बॉक्स पड़ा हुआ है, कॉमन चेस्ट, एडवेंचरस एक्सपेरिमेंट,
यहाँ पे कुछ नहीं है। लीसा एलिमेंट स्किल्स कैन बी अनलीज बाय टैपिंग और चार्ज बाय होल्डिंग। तो जब हम इसको होल्ड करके मारेंगे ना तो कुछ होगा। व्हेन द स्किल इज फुली चार्ज रिलीजिंग इट अनलेस ऑन एरिया अटैक। चलो इस पर हमें चार्ज मारना था। अबे ये कहाँ से आ गए भैया, हमें 20 सेकंड में कंप्लीट करना है तो होल्ड करके मैं चार्ज ही मारूंगा इनमें। आ जाओ भाई आ जाओ, एक एक बचे हो, एक 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 टॉक वेट के 9 सेकंड बचे हैं, जल्दी अबे आना यार क्या कर रहा है। अबे एक और बचा आखिरी, हो गया कंप्लीट चैलेंज कंप्लीट। पहली बार में ही चैलेंज कंप्लीट कर दिया मैंने। कॉमन चेस्ट ये ही खुल गया, वन रेड वाई। चलते आगे, फर्स्ट डोर भी सॉरी सेकंड डोर भी क्लियर कर दिया हमने। ये राक्षस बैठे हुए साले, इनको इनको खेलना है। अबे डैमेज कितना गंदा डैमेज खेल रहे हैं यार ये लोग। होल्ड वाली चार्ज स्किल मारूंगा साले तुम्हें। आओ ये ले बेटा ये ले। अरे यार ये एक्टिंग करके क्यों मारती है यार ये वाली नई स्किल की टाइप से। अरे बहुत डैमेज लेगा यार ये लोग। आखिरी बचा, अरे आना यार पास में आ जा, पास में आ जा। ये ले बेटा तू, ये ले। एक और डोर क्लियर हो जाएगा जब हम ये ट्रेजर बॉक्स खोल देंगे शायद से। इसका ब्लड बढ़ा देता हूँ यार सबसे पहले। लीसा का, लीसा बहुत काम की, इसलिए लीसा का पहले बढ़ाऊँगा मैं। दो अमाउंट टू यूज थ्री कंफर्म करो। अभी एम्बर और मेरा ब्लड तो है अभी उतना। यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा, जंप करना पड़ेगा। चलो ऊपर चलते हैं, आ गए हम ऊपर और सामने हमारे एक और चेक पॉइंट और ये चेक पॉइंट क्लियर। ये शायद से सेकंड चेक पॉइंट है। अबे नीचे इतना बड़ा बबल और कितने, तीन बंदे हैं। क्रॉसबो से, क्रॉसबो की पावर छोड़ दी मैंने अभी। लीसा ही मार सकती है इतने सारों को, तो अपन तो मार ही नहीं सकते बे। उड़कर जाते हैं सबसे पहले। आ गए आ गए। अबे उतरने तो दो कम से कम पहले। आते से ही आतिशबाजी करने लगे। मैं अपनी स्वॉर्ड से मारूंगा। आओ ना, ए यार क्या कितना डैमेज दे रहा है। अबे इतने बड़े बड़े, अरे बच्चे फेंक रहा है ये तो। क्रॉसबो तो, अबे क्रॉसबो से 10-10 का डैमेज जा रहा है यार क्रॉसबो से तो। ये देखना इतने बड़े बड़े बबल टाइप में फेंक रहा है बेटा। लीसा ही मारेगी तुमको तो, लीसा लीसा से ही पिटवाऊंगा तुम लोगों को मैं। इनको तो सालों को लीसा से ही पिटवाऊंगा क्या, पीट ही दिया लीसा ने इनको। लीसा की कैरेक्टर स्किल अच्छी है ना यार, इसलिए वो जो शॉक वेव उनको ज़्यादा डैमेज दे रही है। शॉक वेव ज़्यादा डैमेज दे रही है, अच्छा कैरेक्टर है ये भी। आखिरी बचा ये भी गया। तो सामने हमारा एक और खुल गया है, एक और गेट क्लियर हो गया। और ये क्या है? You're kidding. You're seriously asking? थोड़ा थोड़ा प्रिंस ऑफ पर्शिया बना दिया इन लोगों ने। It's used by the chosen to draw on elemental powers. खेला होगा तो भाई समझ ही गए होगे आप। स्टार्ट करो। इस वाले पे जाना है तो ये वाला। आपस में आ गए ये लोग। What? You've never seen a vision? थोड़ा सा मैंने वीडियो स्किप कर दिया है ना। Are you a hilly troll with some level of reasonable intelligence? तो सामने है हमारे एक और लास्ट डोर जो कि हमारा है। तो हमने ये वाला चेक पॉइंट 3 है वो भी क्लियर कर दिया। अब क्या यहाँ पे भी कोई आएगा? ये क्या है? एनर्जी, कुछ टाइप की एनर्जी है, इसको फोड़ देते हैं। ठीक है, चैलेंज कम्प्लीटेड। एक और चैलेंज हमने कम्प्लीट कर दिया है और अब देखते हैं अब क्या मिलेगा यहाँ पर। ड्रैगन ऑफ द ईस्ट, लायन ऑफ द साउथ, वुल्फ ऑफ द नॉर्थ, फाल्कन ऑफ द वेस्ट, दे आर द फोर विंड्स ऑफ मॉन्स्टैट, अफिलिएटेड विद बारबाडोस, द गॉड ऑफ एनिमा। बारबाडोस
The Dragon of the East, Storm Terror, its real name. मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें हमें किसी को अभी सबसे पहले किसी को नहीं ढूंढना, गॉड ऑफ एनिमो को ढूंढना है. गॉड ऑफ एनिमो, एनिमो पता नहीं क्या क्या नाम रखते हैं ये लोग. और देखते हैं क्या है. Why would it to go? Because of hatred, I presume. Why पूछो यार, फालतू की जवाब अपन को चाहिए नहीं है. Hatred for Mondstadt. Hatred of for Mondstadt. Hatred drove it to become something more powerful than the wind itself. और क्या है? To become more powerful than the wind itself. To become storm. But why would one of the four winds? Mm-hmm. But why would the city it was supposed to protect? पायमन की इसमें आवाज जिसने भी दिया ना भाई, एक नंबर ही आवाज दी है. It's something that's really hard to say aloud. Here, take this. It's a very old story from more than a century ago. बहुत पहले की बात है शायद से. Old story. Well, you should come with me. तो चलते हैं हम इस टेंपल के बाहर. पहले तो ये उठा लेते हैं, नहीं तो ये छूट जाएगा तो हमारी फालतू की मेहनत पूरी बर्बाद चली जाएगी. I'll keep an eye on you. तो आ गए हम टेंपल के बाहर और नेविगेशन की तरफ जाना है सबसे पहले. तो नेविगेशन यहाँ पे तो कुछ नहीं करना है ना शायद से. हम तो नेविगेशन की तरफ चलते हैं. हम लोग नेविगेशन के तरफ जाएंगे. हमारे पास ग्लाइडर है तो इस डायरेक्ट ही कूद जाए ना ये लोग. ग्लाइडर, ग्लाइडर का सही यूज़ है. कम से कम इतना कूदना तो नहीं पड़ेगा ऊपर से लेके नीचे तक. आधा तो यहीं पे कवर हो जाएगा. मैं सोच रहा हूँ उस बड़े वाले पत्थर पर लैंड करने का. जल्दी से जल्दी उतर रो यार और फिर नेविगेशन की तरफ जाना है. अभी कितना और बचा नेविगेशन? 300 मीटर करीब बचा हुआ है. नीचे उतरो डायरेक्ट. और एक बंदे ने मुझसे बोला था कि भाई इसमें जो वॉइस बोल रहा हूँ, जो रिकॉर्ड करता हूँ ना मैं वीडियो, तो उसमें बेस जो रहती है और थोड़ी ट्यूनिंग रहती है वो क्लियर नहीं आती. तो भाई मैं यही बोलूँगा, मेरे पास इंटरनल साउंड रिकॉर्डिंग वाला मोबाइल नहीं है. मैं जो जिस मोबाइल में करता हूँ ना रिकॉर्ड, वो मतलब कि वो उसमें इंटरनल मतलब कि साउंड रिकॉर्ड होता ही नहीं है. तो इसलिए मैं एक ट्रिक है, तो उस ट्रिक के कारण जितना भी साउंड इंटरनल साउंड रिकॉर्डिंग होता है बस वो हो जाता है. तो जो इंटरनल साउंड रिकॉर्डिंग है ना वो एंड्रॉइड की तरफ से बंद है. इस मतलब कि जो कुछ कुछ एंड्रॉइड फोन्स रहते हैं तो उनमें बंद रहता है, उनमें फुल मतलब कि एंड्रॉइड वर्जन रहता है. जैसे MI और ये वाले मोबाइल रहते हैं ना, तो इनमें इंटरनल साउंड रिकॉर्डिंग वहीं से इनबिल्ड आता है. तो इसलिए नहीं कर सकते. और मेरे पास Nokia 8 है और हमने आधा मैप यहाँ पे खोल चुका है. स्टैचू ऑफ 7 जो भी है, विंड ऑफ 7, स्टैचू ऑफ द 7 है ना जो भी नाम है इसका. तो यहाँ पे हमने खोल दिया. वॉरशिप स्टैचू कर देता हूँ मैं इसको. ऑफ़र 1 करूँगा, ऑफ़र ऑल करूँगा. तो ऐसे मेरा कुछ चला नहीं जाए इसलिए ऑफ़र 1 करूँगा. यहाँ पे कुछ हुआ है और ये वाला शायद से ये वाला टावर भी चालू हो गया है अपना, है ना. ये विंड टाइप में निकली है इसमें. तो गाइज यहाँ पे हम लोग वीडियो करते हैं एंड और नेविगेशन की तरफ जाएंगे अगले पार्ट 4 में. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.